देखो, जो लोग धर्म जगत में है ही नहीं उनकी बात नहीं है, जो धर्म जगत में है और गुमराह है, विपरीत आशय से सही लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, ये आत्मसिद्धि शास्त्र उनके लिए है। जो लोग अभी घर में ही बैठे हैं प्रमाद के, अज्ञान के, अभी जिन्होंने जर्नी ही नहीं शुरू की, ये मोक्ष शास्त्र उनके लिए नहीं है। जिन्होंने जर्नी तो शुरू कर दी, दे आर सीकिंग लिबरेशन, लेकिन ऑन दैट पाथ ऑफ सीकिंग लिबरेशन उसके अंदर कहीं गुमराह हो गए हैं। और गुमराह कैसे हुए हैं? दो ढंग से, कोई क्रियाजड़ में रहे, शुष्क ज्ञान में कोई। इनका थोड़ा डीपर मीनिंग समझेंगे हम। तीसरी गाथा में परम कृपाणु देव ने बताया था कि मोक्ष का मार्ग मानने वाले दो प्रकार के लोग हैं, एक जड़ क्रियावादी और दूसरे शुष्क ज्ञानी। और उन्हीं लोगों को देखकर हमारे हृदय में करुणा उठी है, एक बहता हुआ प्रेम उठा है, जिस प्रेम के वश होकर हम पूरी आत्मसिद्धि का यहाँ पर अब निरूपण करने जा रहे हैं। चौथी गाथा जो है उसमें जड़ क्रियावादी का स्वरूप है और पांचवी गाथा के अंदर शुष्क ज्ञानी का। ये तो सबको क्लियर है, इतना इतना तो जो आध्यात्म विवेचन जिसने पढ़ा होगा उसको भी क्लियर होगा। लेकिन लेट्स डाइव, क्या कह रहे हैं आज? बाह्य क्रियाओं में रचे अंतर भेद न कोई। दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक बाह्य क्रिया और दूसरी अंतर क्रिया। किसे बाह्य क्रिया मानना चाहिए और किसे अंतर क्रिया मानना चाहिए, आज इस भेद को हम स्पष्ट करेंगे। तो आप सभी को पंचकोश का मैप पता है, पांच सर्कल्स बना लो। सबसे बड़ा सर्कल क्या है? अन्नमय कोश, फिजिकल शीथ। उसके बाद प्राणमय कोश, वाइटल एयर शीथ। उसके बाद मनोमय कोश, मेंटल बॉडी। उसके बाद विज्ञानमय कोश, इंटेलेक्चुअल शीथ। उसके बाद आनंदमय कोश, ब्लिस शीथ। और आत्मा, आत्मा कहाँ है? आज से मैं आत्मा की प्लेसमेंट चेंज करना चाहती हूँ। आत्मा यानी वो व्हाइट बोर्ड पूरा, जो अंदर व्हाइट, जो पीछे बैकग्राउंड, जिसके बैकग्राउंड पे सब चल रहा है ना, वो आत्मा है। तो आत्मा तुम्हारा अन्नमय कोश पर भी है, प्राणमय कोश पर भी है, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, हर कोश पर आत्मा है। अब तुमने बीच में डॉट लगा दिया ना, तो तुम यानी आत्मा उसके भी भीतर जाकर है। आज से मैंने इसलिए चेंज कर दिया कि नहीं, आत्मा को हम रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे। आत्मा मतलब व्हाइट बोर्ड, जो ब्लैक पेन से तुमने बनाया वो सारे कोश, और उसका जो सबस्ट्रेटम है, वो जिस पर बना है, वही आत्मा है। अब ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। क्लियर है ना? तो आत्मा कहाँ है? पूरे में व्यापक है। जैसे जैसे कोश सूक्ष्म होता है, अन्नमय कोश हम देख सकते हैं पूरा, फिजिकल बॉडी, या जो कुछ भी हम देख सकते हैं, इसको काटे तोड़े तो अंदर हमें हमारा हार्ट, लिवर, किडनी सब होगा तो दिखेगा कि नहीं? तो जितना कुछ भी हम, हमें विजिबल है ना, वो सब कुछ अन्नमयी कोश का ही भाग है। अन्नमयी कोश ही है, मतलब पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, सभी कुछ इस अन्नमयी कोश में आ गई। और ये बनती किससे? अन्न से, इसलिए इसका नाम ही अन्नमयी कोश रख दिया। वॉट अ सेंसिबल थिंकिंग कि बनती किससे? तुम्हारे आहार से, और इसलिए उसका नाम अन्नमय कोश रखा। दूसरा प्राणमय कोश किससे बनता है? तुम्हारी श्वासोश्वास से, इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों से। तुम्हारी 72,000 नाड़ियां हैं, वो तुम्हारे चक्रों से, तुम्हारे केंद्र से, तुम्हारे भीतर जो तरंगे चल रही हैं, संवेदनाएं चल रही है, ये सब कुछ तुम्हारे प्राणमय कोश में आता है। समथिंग विच इज नॉट विजिबल येट फीलेबल, है ना? तुम
श्वास को फील कर पाते हो, इवन चक्रों को भी फील कर पाते हो जब हम साधना करते हैं। तो जो चीज फीलेबल है, विजिबल नहीं है, इनफैक्ट कई बार इसके बायोलॉजिकल प्रूफ्स भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मानते हैं प्राणमय कोश, क्योंकि इस प्राण के कारण ही हमारी जीवन ऊर्जा चलती रहती है। तीसरा कौन सा है? मनोमय कोश। विचार, तुम्हारे भाव, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं, तुम्हारा पढ़ना, तुम्हारा चिंतन करना, तुम्हारा मनन करना, ये सब कुछ तुम्हारे मनोमय कोश के अंदर आता है। जितना भी थॉट रिलेटेड, फीलिंग रिलेटेड, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल, अनकॉन्शियस लेवल, कलेक्टिव कॉन्शियस लेवल, कितने सा स्पॉन्टेनियस कॉन्शियस लेवल, कितने सारे लेवल्स बताए थे ना, वो सारे के सारे तुम्हारे मनोमयी कोश के ही हिस्से हैं। चौथा, विज्ञानमयी कोश। जो पहले तीन है, यानी अन्नमयी, प्राणमयी और मनोमयी, इसके माध्यम से जो भी क्रिया चल रही है वो सब बाह्य क्रिया है। हम कौन सा वर्ड रिलेट कर रहे हैं? बाह्य। बाह्य क्रियाओं में रचे। और उसके नेक्स्ट आगे आगे विज्ञानमय कोश में क्या मिलता है? विवेक। विवेक हम कहेंगे नास्तिक दर्शन की अपेक्षा से, लेकिन अगर हम आस्तिक दर्शन की अपेक्षा से कहें तो प्रेम, समर्पण, सरेंडर टू द हायर, ये सब कहाँ है, कौन सा एनर्जी जोन है? ये तुम्हारा इंटेलेक्चुअल शीत का है। ये जो फोर्थ है, ये अंतरक्रिया है, क्लियर कर लो। अब जड़ क्रियावादी जीव कैसे हैं? बाह्य क्रिया में राचते, राचते मतलब रचे पचे, उसी में खोए, उसी में, उसी को सब कुछ मानते हैं। तो वो शरीर की कोई क्रिया करते हैं, या श्वासोश्वास की कोई क्रिया करते हैं, या चक्र की साधना करते हैं, या 2 घंटे बुद्ध की तरह, क्या बोलते हैं, बुद्ध की तरह, स्टैच्यू की तरह, वो ऑडिटोरियम में या वो स्टेडियम में जाकर बैठ जाते हैं, पर फिर भी है क्या? श्रीमद जी ने क्या डिक्लेयर कर दिया? बाह्य क्रिया। तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, मनन कर रहे हो, मुझे क्वेश्चंस लिखकर भेज रहे हो, मैं तुम्हें आंसर्स दे रही हूं, तुम तालियां बजा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? बाह्य क्रियाओं में रचे। कब? अंतर भेद न कोई, जब तुमने फोर्थ शीत को टच नहीं किया। अंतर क्रिया कहां से शुरू हो रही है? फोर्थ शीट से। फोर्थ शीट में नास्तिक दर्शन की अपेक्षा से विवेक है, मतलब तुम्हें एग्जैक्टली पता है कि अगर मैं कुछ बता रहा हूं तो उसके पीछे आशय क्या है, खाली तोता पाठ नहीं है। तो अब तुम तोता पाठ करके दूसरों को मत बता देना, यू हैव टू फील इट टू मेक इट रियल, नहीं तो तुम्हारे लिए तो ये सब खाली इमेजिनरी है। वो रियल कब बनेगा? जब तुम उसके अंदर अपने भाव जोड़ोगे, अपना एहसास जोड़ोगे, अपना विवेक जोड़ोगे। तो जब तुम्हें विवेक आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो जब तुम्हें क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, विवेक यानी क्लैरिटी, विवेक यानी रैशनैलिटी, विवेक यानी एबिलिटी टू जज राइट एट राइट मोमेंट, और ये दिन में 50 बार बदलता है, 50 बार। तो जब तुम्हारे अंदर वो विवेक आ गया, और साथ साथ में मैं तो दोनों को अलग देखती ही नहीं, आस्तिक और नास्तिक दर्शन को, मैं तो उन्हें एक ही सिक्के के 2 पहलू मानती हूं। साथ ही साथ तुम्हें समर्पण आ गया, क्योंकि खाली विवेक आएगा ना तो अहंकार आ जाएगा, मैं जानता हूं, और खाली समर्पण आएगा ना तो दीनता आ जाएगी, अब तुम करो, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। अब दोनों में तुम गुरु के सिर पे पड़े। इन बोथ द केसेस यू आर अ लायबिलिटी ऑन अ गुरु, नॉट एन एसेट। तुम एसेट नहीं हो गुरु के लिए, तो गुरु को एसेट चाहिए। तो पहले 3 कोश तक जो भी तुम्हारी क्रिया है, उन सबको हम क्या कहेंगे? बाह्य क्रिया। 4th कोश एंटर हो गया तो हम कहेंगे अंतर क्रिया। तो फिर खाली अंतर क्रिया कर लेते हैं, बाह्य क्रिया की जरूरत ही नहीं है, ये हो जाएंगे शुष्क ज्ञानी, जो अगली गाथा में तुमने गाया। खाली समर्पण कर लेते हैं, वो भी शुष्क ज्ञानी है। खाली विवेक कर लेते, वो भी शुष्क ज्ञानी है, बिकॉज यू आर नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल शीत। काश तुम खाली वो 4th शीत होते तो तुम कर सकते थे, लेकिन तुम तो कॉम्बिनेशन में हो। अब तुम कॉम्बिनेशन में हो तो तुम्हारे शरीर को भी तो फूड चाहिए ना,
तुम्हारे माइंड को थॉट्स चाहिए, तुम्हारे प्राण में बॉडी को श्वास प्राण चाहिए, सब कुछ चाहिए कॉम्बिनेशन में। हम जॉइंट फैमिली में जी रहे हैं तो जॉइंट फैमिली के अंदर हर किसी के मन की इच्छा पूरी होनी चाहिए कि नहीं? तो यहां पर तुम 1, 2, 3 में अटक गए तो वो क्या है? बाह्य क्रिया। अगर तुम 4th को ऐड कर लेते हो तो वो हो गया अंतर्भेद। अब इस शब्द को समझना पड़ेगा, अंतर्भेद। तुम्हें बाह्य क्रिया शब्द पता चल गया? तो यानी जब तुम जड़वत होकर देववंदन कर रहे हो तो वो क्या हो गया? उसमें कोई समर्पण भाव नहीं है, कोई उल्लास भाव नहीं है, कोई विवेक नहीं है शब्दों के साथ का, तो मतलब वो सारा बाह्य क्रिया। अभी वो सेकंड में भी आएगी बात। अंतर भेद न कोई, अंतर भेद, भेद शब्द के यहां 3 अर्थ है। अंतर भेद क्या है? अंतर क्रिया है ये। बाह्य क्रिया क्या थी? 3 कोष तक, उसके अंदर अंतर क्रिया, लेकिन वो है नहीं ऐसा श्रीमद कह रहे ना कोई। यानी 3 चीजें नहीं है कि जो भी तुम काम कर रहे हो ना, जो भी कर्म, उसके पीछे का भाव तुम्हारे साथ अटैच्ड ही नहीं है। मतलब क्रिया के पीछे कोई भाव ही नहीं चल रहा। यानी तुम जो जड़ क्रिया कह रहे थे ना कि हम देववंदन ऐसे ही कर जाते हैं, हम क्षमापना पाठ ऐसे ही बोल जाते हैं, हम त्रिमंत्र धुन ऐसे ही सुन जाते हैं, कोई भाव ही नहीं आता कि ओ परम गुरु निर्ग्रंथ सर्वज्ञ देव, वाह, ऐसा तुम्हें तुम्हारी आंखें बड़ी ही नहीं होती। तो ये मतलब शब्दों के साथ या तुम्हारे क्रिया कांड के साथ भीतर उस समय कोई भाव ही नहीं चल रहा। तो ये अंतर्भेद की पहली स्थिति है, अंतर्भेद न कोई। तुम्हारे भीतर कोई अंतर्भेद नहीं चल रहा, यानी तुम्हारी चेतना ब्लिस शीत तक नहीं जा पा रही। तुम्हारी भाषा में तुम्हारी कॉन्शियसनेस ब्लिस शीत तक जा ही नहीं पाई। दूसरी बात, उस कर्म को, कोई भी जीवन में कर्म का उदय आता है, कोई भी, अच्छा उदय या बुरा उदय, उस कर्म को हम उदय भाव या कृपा भाव में नहीं देख पाते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी। इसको भी कहते हैं अंतर्भेद नहीं हुआ भैया तुम्हारे को भी। जीवन का कोई भी प्रसंग आए तो उसमें एक ही इक्वेशन सेट करनी है, या तो ये उदय भाव है या फिर कृपा भाव है, दो में से कोई एक। यानी मेरे पूर्व में किए थे वही लौट कर वापस आ रहे, ये उदय भाव है। और या फिर परमात्मा या प्रभु या सदगुरु, आप कितने करुणावश हो कि आपने मेरे ऊपर ऐसी कृपा करी, मुझे गुरु दिए, सत्संग दिए, कंटेम्प्ररी गुरु दिए। ये जो कृपा भाव फील करना, ये भी ब्लिस शीत को टच करना, इंटेलेक्चुअल शीत को टच करना है। और जो है सो है के सिद्धांत को जीवन में लगाना, ये भी इंटेलेक्चुअल शीत को टच कर लिया, ये अंतर्भेद हुआ। लेकिन अभी हम नेगेटिव में बात कर रहे हैं, अंतर्भेद न कोई। यानी तुम्हें पहली बात, क्रिया करते हुए कोई भाव नहीं है, ये तो जनरल है, सबको होता है। दूसरा, तुम्हें जीवन में कर्म के उदय प्रसंगों में ना तो उदय भाव की प्रमुखता रहती है ना कृपा भाव की रहती है, और इन दोनों में स्विचिंग ओवर भी नहीं होना चाहिए, स्विचिंग ओवर भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें गुरु से कुछ भी मिल रहा है, तुमको मेरे तो कर्म ही ऐसे थे कि मुझे मेरे उदय में इतने बढ़िया बढ़िया सत्संग आ गए, मेरे तो उदय ही कितना बलवान, मेरा पुण्य कितना बलवान, लोग बोलते थे ना हमसे, हमारा पुण्य कितना जबरदस्त है ना कि हमें 2 घंटे का मेडिटेशन आपके साथ करने को मिला। तो ये कृपा भाव रहना चाहिए, ये विवेक चाहिए। मन हमेशा खुद को मुख्य रखना चाहता है, तो वो मनोमय कोष तक यानी बाह्य क्रिया कर रहा है, लेकिन जहां उसको क्लियर हो गया ये तो कृपा है, प्रभु ने पता नहीं क्या कृपा बहाई कि अचानक इतने लोगों में से मुझे उन्होंने चूज किया आने के लिए। सो समझ लेना, तुमने इंटेलेक्चुअल शीत को टच कर लिया। और जब तुम्हारी चेतना इंटेलेक्चुअल शीत पर पहुंच गई, अब वो ज्यादा व्यापक है कि नहीं? जितनी सूक्ष्म होती जा रही है उतनी व्यापक होती जा रही है, और जितनी व्यापक है उतने वैसे गुणों से तुम जीवन जियोगे। तो अंतर भेद न कोई के अंदर पहला बहुत स्थूल स्तर का कि आप कुछ भी कर रहे हो पीछे आशय ही नहीं पता। दूसरा, कोई भी कर्म उदय में तुम्हें यह विवेक होना चाहिए कि इसको उदय कर्म माने किसे कृपा भाव माने।
उदय भाव या कृपा भाव, और इन दोनों में स्वाइप नहीं हो जाना चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं कर देना। तीसरा अंतर्भेद किसको बोलते हैं, जिसमें कर्म और साक्षी का रहस्य स्पष्ट हो। कर्म और साक्षी, या साक्षी हटा दो, आत्मा, कर्म और आत्मा का रहस्य स्पष्ट हो। भेद शब्द का अर्थ रहस्य भी होता है। सो अब तुमने कर्म के उदय काल में इसको, चलो वरदान प्रभु ने इसको कृपा ही माना, मैंने कहा तो अब तो वो एकदम ही क्लियर है कि नहीं ये कृपा ही है, कोई मेरे पुण्यों का खजाना खुला नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रभु की कृपा है। उसने माना, उसने ये माना तो उसकी चेतना कहाँ तक पहुंची, विज्ञानमय कोश तक, काफी अच्छी है। लेकिन क्या ये विज्ञानमय कोश आत्मा है? मैंने पहले क्या बताया था, आत्मा क्या है, पूरा वाइट पार्ट है ना वो आत्मा है। ये भेद क्लियर होना चाहिए, और ये भेद क्लियर ही तब होगा जब तुम ये पूरी एक्सरसाइज करोगे। ये एक्सरसाइज किए बिना कोई मानता है कि हाँ भेद क्लियर है मुझे, वही शुष्क ज्ञान ही है एक्चुअली में। पर पूरी एक्सरसाइज के बाद अब जो तुम्हारे को पता रहेगा, अरे जो भी है ना वो मेरी जानने वाली सत्ता, मेरी गुणधर्मी सत्ता, मेरी निर्विकल्प सत्ता से वो भी अलग है। विज्ञान में ही कोश भी तो तुमसे अलग है कि नहीं? विज्ञान में ही कोश एक लेवल तक है, लेकिन जो आत्मा है वो तो सर्वव्यापक सत्ता है, कुछ बहुत अलग सी बात है। अभी मैं आत्मा पर बात नहीं करना चाहती। तो कृपाणु देव क्या कह रहे हैं, जड़ क्रियावादी जीव कैसे होते हैं, बाह्य क्रियाओं में रचे, यानी शीत 1, शीत 2 एंड शीत 3, इन 3 कोशों में ही जो काम करते हैं उसी को धर्म मान लेते हैं, मोक्ष का मार्ग मान लेते हैं। अंतर भेद न कोई, यानी उनकी चेतना चौथे तक तो पहुंचती ही नहीं है, और बाई चांस चौथे तक पहुंच भी जाए, उपकार भाव, कृपा भाव, उदय भाव, ये क्लैरिटी आ भी जाए उनमें, तो भी उन्हें साक्षी से वो भिन्न है ये रहस्य तक नहीं पहुंच पाते। देखो आगे जाके प्रेम गली अति सांकरी, उसमें दो ना समाए, अब दो नहीं रहेंगे। जब तक तुम्हारी शीथ भी है और आत्मा भी है तब तक दो है, तो आगे जाके वो अपने आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ एडिशन से वो आगे जाके प्रोसेस होगा। इसलिए डोंट वरी, तुम इतना भी कर रहे हो अगर तो क्या कहते हैं, बाह्य क्रियाओं में रचे, तुम हो ऐसे 1 2 3 में ही हम होते हैं। हम योगा भी करेंगे तो 1 2 3 में से करेंगे, प्राण क्रिया भी 1 2 3 में होगी, सत्संग भी 1 2 3 में होंगे, लेकिन ठीक है वो होंगे तो 1 2 3 में ही, लेकिन जो तुम्हारा चिंतन मनन और आचरण होगा ना वो तुम्हें 4th के अंदर लाता जाएगा, स्वाध्याय। जो तुम्हारा स्वाध्ययन होगा वो तुम्हारा विवेक जगाएगा, वो तुम्हारा समर्पण जगाएगा। और सच कहूं तो समर्पण जगाना आसान काम है, विवेक में तो भी असंख्य डेटा पॉइंट्स है, समर्पण में तो एक ही डेटा पॉइंट है ना, कोई हायर हो और वो तुम्हें अच्छा लग गया, उसके प्रति प्रेम हो गया समर्पण। विवेक के अंदर असंख्य डेटा पॉइंट्स हैं, इसमें ये राइट हो सकता है हाँ कि नहीं, ये या ये में से कौन सा राइट हो सकता है, लेकिन समर्पण मुझे लगता है, इसलिए कृपाणु देव ने कहा ना कि अनेक अनेक प्रकार से मनन करने पर हमारा ये दृढ़ निश्चय होता है कि भक्ति सर्वोपरि मार्ग है, समर्पण हाईएस्ट। लेकिन जैसा इन्होंने आज प्रार्थना में गाया ना कि किसके प्रति समर्पण, अब तुम समर्पण संप्रदायों के प्रति कर रहे हो, तुम समर्पण जो खुद ही सदगुरु नहीं है उसके प्रति कर रहे हो, तुम समर्पण लोभी लालची गुरु के प्रति कर रहे हो, तुम समर्पण वेशधारी के प्रति कर रहे हो, तो उस समर्पण की कोई वैल्यू नहीं है। समर्पण का मतलब ही है जहां सामने सदगुरु हो, वरना कोई मतलब नहीं है। तो बाह्य क्रियाओं में हम है, दूसरा अंतर भेद न कोई, यानी तीनों विषय या तो उनका मीनिंग नहीं पता होता, या जीवन के उदय काल और कृपा भाव में हमें फर्क नहीं पता, और या फिर साक्षी का रहस्य हमें कभी अलग है ऐसा पता नहीं चलता। और तीसरा उन्होंने क्या कहा, ज्ञान मार्ग निषेध थे। आज ये पूरा उन्होंने मैप बना के दे दिया हमें कि जड़ क्रियावादी कैसे होते हैं। पिछली बार मैंने तुम्हें जड़ क्रियावादी के स्थूल स्थूल लक्षण बताए थे, आज कृपाणु देव ने हमें और क्लियर होके बता दिया, ज्ञान मार्ग निषेधते।
जड़ क्रियावादी ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं। देखिए ज्ञान अपने में एक मार्ग लेकर चलता है, इट इज अ पाथ, ज्ञान मार्ग है, पाथ। ज्ञान डजंट मीन फैक्ट, नो, ज्ञान मार्ग, ज्ञान इज अ प्रोसेस और ये एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है। सतत तुम्हारा ज्ञान मार्ग इवॉल्व होते रहना चाहिए। ज्ञान मार्ग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि ये मार्ग है तो ज्ञान मार्ग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है सत्संग। कहां से मिलेगा? शास्त्र नहीं। ज्ञान मार्ग का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा होगा सत्संग। तुम सत्संग में आओगे, वहीं से तुम्हें यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होगी, वहां से तुम्हें शास्त्र ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन जब तुम्हें यथार्थ ज्ञान मिला होगा ना, तभी तुम शास्त्र के शब्दों के साथ अपने ज्ञान को वैलिडेट कर पाओगे। शास्त्र केवल हमारे अनुभव को वैलिडेट करने के लिए है, ये समझ लेना, और शास्त्रों का कोई काम ही नहीं है। शास्त्र या वैलिडेट मतलब जो मैंने अनुभव किया वो प्रामाणिक है कि नहीं है, राइट है कि ऐसा दूसरों ने भी पूर्व में अनुभव किया था कि नहीं। सो ये वैलिडेशन जो है वो शास्त्र करते हैं। शास्त्र कैन नॉट बी द टॉर्च बियरर्स, शास्त्र केवल वैलिडेट करने के लिए होते हैं। तो तुम एक बार अनुभव करो, उसके लिए तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है हमेशा सत्संग। इसलिए परम कृपाणु देव ने एक एक वचनामृत में सत्संग की कितनी वैल्यू दी, और वो सत्संग भी सत्पुरुष का समागम, पढ़ लेना किसी किताब में से, दैट इज नॉट सत्संग, वो शास्त्र वाचन है। तो कृपाणु देव वाचन वर्ड यूज करते, लेकिन सत्संग कितना अच्छा वर्ड यूज किया कि जहां किसी सत का संग है, यानी जब तुम सदगुरु के साथ बैठे हो तुम सत के साथ बैठे हो, यू आर सिटिंग विद ट्रुथ इन दिस वर्ल्ड ऑफ माया, इन ट्रुथ के साथ। सत्संग का काम क्या है? तुम्हारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड शीट को एक्टिवेट करना नहीं, तुम्हारी विज्ञानमय कोष को सक्रिय करना। उसके लिए वो आधार ले सकते हैं पहली दूसरी और तीसरी शीत का, क्योंकि चौथा सीधा कैसे कुछ एक्टिवेट हो जाएगा? इस ज्योत में भी मुझे, ये दिए में भी मुझे ज्योत जलानी है, तो मुझे माचिस का आधार लेना पड़ता है ना। तो सत्संग में भी वो तुम्हारी अन्नमय कोष, प्राणमय कोष और मनोमय कोष का आधार ले सकते हैं, लेकिन आधार लेकर मार्ग क्या है? विवेक, चौथा पहुंच जाओ, विवेक या समर्पण, दोनों में से कुछ भी हो जाए, क्योंकि विवेक का एनर्जी जोन और समर्पण का एनर्जी जोन एक ही है। तुम्हें पता है ना वो एनर्जी जोन सारे मालूम है ना? उस आत्मसिद्धि के शिष्य ने क्या पाया? आत्मानुभूति ना। कैसे पाई? आत्मा है, नित्य है, कर्ता है, भोक्ता है, मोक्ष है, मोक्ष का उपाय है, तत्व चर्चा चल रही है, और तत्व चर्चा से उसका जो विवेक प्रकट हुआ, और उसने परिणाम में क्या कहा? अहो हो श्री सदगुरु, करुणा सिंधु अपार, अब मैं क्या चरण तुम्हें धरूं? समर्पण आ गया ना, शू प्रभु चरण तने धरूं, आत्मा तीर सौहीन। उसने पाया विवेक और उसने दिया क्या? समर्पण। इंटरेस्टिंग इज़न्ट इट? थोड़ा इंटेंस है आज का सत्संग। तो ज्ञान मार्ग में पहला स्टार्टिंग पॉइंट होता है सत्संग, सत्संग के बाद आता है विवेक, विवेक के बाद अब वो जो भी फर्स्ट सेकंड और थर्ड शीत से जो भी काम करता है, क्योंकि एपरेटस तो वही है, हमारे साधन तो वही है, उन एपरेटस से अब वो जो भी काम करता है उसमें व्यवहार शुद्धि होती जाती है। अब उसका अंतकरण शुद्ध होता जा रहा है, आउट ऑफ फोर्थ। तुम चौथे से ऑपरेट जब करोगे ना, अभी हम फर्स्ट से ऑपरेट करने की ट्राई कर रहे हैं, तो कहा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड को साधन बनाओ, लेकिन पहुंचना कहाँ है? चौथी शीत तक। और चौथी शीत पर आप आ गए, अब यहां से आप ऑपरेट कर रहे हो, तो आप शरीर के कर्म करो या मन के कर्म करो या प्राण के कर्म करो या चक्र और केंद्रों के कर्म करो, ये सब आपकी व्यवहार शुद्धि के कारण बनते जा रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है ज्ञान मार्ग। जितनी जितनी व्यवहार शुद्धि होगी, यानी तुम्हारा
फर्स्ट सेकंड और थर्ड कोष जो है उस पर से मलिनता जाएगी, या वो जो जो भी कार्य कर रहे हैं व्यवहार शुद्धि का, उस व्यवहार शुद्धि का प्रभाव किस पर पड़ेगा? ब्लिशीत, तुम्हारे कार्मन बॉडी, कॉजल बॉडी, संस्कार जहां है, जहां कर्म सत्ता पूरी पूरी पड़ी है, तुम जैसे ही व्यवहार शुद्धि के प्रोसेस में आ गए, तुम्हारी कर्म सत्ता पर असर आएगा कि नहीं? तुम्हारा कॉजल बॉडी जो है यानी ब्लिशीत, जहां सारी इक्वेशंस रखी है, वो इक्वेशंस बदलेगी कि नहीं? अभी तक तुम्हें रेस्टोरेंट में मजा आता था, अब तुम्हें देववंदन करके मजा आ रहा है, तो तुम्हारी इक्वेशन बदलेगी कि नहीं? आनंदमयी कोष का नाम ही इसलिए आनंदमयी कोष है क्योंकि जिस जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है ना, वो मजा प्लस मजा प्लस मजा प्लस मजा प्लस मजा इक्वल टू फाइनली आनंद, मजा आना। सो जैसे जैसे व्यवहार शुद्धि होगी, वैसे वैसे कौन सा शीत प्रभावित हो रहा है? ब्लिश शीत। ब्लिश शीत जैसे ही प्रभावित हो रहा है, यानी अब नेगेटिव इक्वेशंस तुम्हारी छूट रही है, नेगेटिव इक्वेशंस छूट रही है, यानी वहां पर क्लैरिटी स्पेस बन रहा है या क्लीनलीनेस वहां पर आ रही है, और वही क्लीनलीनेस समवेयर इक्वल टू द क्लीनलीनेस ऑफ व्हाइट बोर्ड। जैसे जैसे तुम्हारी ब्लिश शीत की इक्वेशंस सहज होती जाती हैं, जो होना चाहिए वही हो रही है, एग्जैक्टली एज पर गॉड्स विल, तुम्हारी जैसे जैसे वो हो रही है वैसे वैसे यू एंड योर आत्मा, या योर आत्मा भी क्या कहूं, योर ब्लिशीत एंड यू, योर ब्लिशीत एंड यू, दे आर कोइंसाइडिंग, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे की गुणों पर ओवरलैप कर रहे हैं, और इसी पल को आत्मा अनुभूति कहा जाता है। दोनों एक हो गए, कोई आवरण ही नहीं रहा। भाई हो तो तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, अनंत नित्य नवीन आनंद के धारक, लेकिन बाधा कौन है? जैसे कोई भिखारी है, वो कहे मैं तो रोज 5-स्टार होटल में खाना खा सकता हूं, तो दूसरा भिखारी कहते खा ले भाई, तो बोलते हैं कि भाई पैसे ही तो नहीं है। अरे तो वही तो कह रहे हैं हम, खाने की योग्यता तो सभी में है, लेकिन वो पैसे कमाना ही ये पूरा ज्ञान मार्ग है, ये पूरा आत्मविशुद्धि का मार्ग है। कोई कहे कि मैं एक रात में शाकुंतलम लिख सकता हूं पूरा संस्कृत के अंदर, लिख लो भैया, पर भाई संस्कृति तो नहीं आती। अरे तो वही तो सिखा रहे हैं तुम्हें, तुम जो करने के लिए पैदा हुए, तुम क्या करने के लिए पैदा हुए हो, तुम नित्य नवीन आनंद के अनुभव के लिए पैदा हुए हो, तो वही तो नहीं आ रहा, तो तुम कहां खोज रहे हो उल्टी पुल्टी जगहों पर। अरे पर वही तो राइट ढंग सिखा रहे हैं तुम्हें। मैं गुस्से में नहीं हूं, इनफैक्ट आई फील एक्साइटेड कि ये ऐसे ऐसे शकुंतलम और भिखारी कहां कहां से एकदम राइट टाइम पर टपकते हैं और तुम्हारे को जो बोध देना है वो देकर चले जाते हैं। तो ठीक है, ज्ञान मार्ग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सत्संग। सत्संग का काम क्या है? तुम्हारे शरीर को रगड़ना नहीं, तुम्हारी इंटेलेक्चुअल शीत को जगाना, और सत्संग से विवेक जाग जाएगा तो भी समर्पण आ जाएगा, और बाय चांस तुम्हें मेरा ज्ञान के लिए तुम फैसिनेट हो जाओ, फैसिनेट वर्ड होता है, तुम फैसिनेट हो जाओ और तुम्हें बस अहो आश्चर्य से भर जाओ, तो क्या पता तुम्हारा समर्पण हो जाए, तो तुम्हारा समर्पण हो जाएगा तो विवेक का जोन भी उसी लेवल पर है, वो आ जाएगा। विवेक आने से अब तुम शरीर प्राण और मन से जो भी कार्य करोगे उसमें व्यवहार शुद्धि होगी। ये व्यवहार शुद्धि कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? तुम्हारे आनंदमयी कोष के ऊपर। ये आनंदमयी कोष पर जब रिफ्लेक्ट करेगी तो वहां का रिजल्ट क्या आएगा, परिणाम में क्या मिलेगा? तो वो और आत्मा एक हो गए, तो यानी गुण वृद्धि। व्यवहार शुद्धि के बाद नेक्स्ट तुम्हारे जो आत्मा गुण है, अनंत गुण, नित्य नवीन आनंद के अनंत गुण है, अनंत गुण राशि, ज्ञान कहो दर्शन कहो, हर चीज, यू हैव लॉट, मतलब असंख्य गुण राशि है, प्रेम कहो, विवेक कहो, समर्पण कहो, धैर्य कहो, शांति कहो, जितने भी गुण है ना, यू नेम द पॉजिटिव वर्च्यू एंड इट इज विद यू।
ये सारे के सारे वर्च्यूज तुम्हारे एक के बाद एक नहीं, एक ही समय में उजागर होते हैं। तुम पकड़ एक को पाओगे लेकिन उजागर एक समय में हो जाएंगे। जैसे तुम दुकान पर मॉल में कुछ देखने जाते हो तो तुम्हारी आंखों की मर्यादा है कि तुम पकड़ दो चार कपड़ों को ही पाते हो, लेकिन उपस्थित तो सारे ही हैं। इसी तरह ज्ञान की सूक्ष्मता इतनी नहीं होती, इस कारण से तुम जैसे जैसे व्यवहार शुद्धि में उतरते हो तुम एकाध गुण पकड़ पाते हो, लेकिन उभर तो सारे ही जाते हैं। ये है और जैसे जैसे गुण वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे स्व निश्चय होता जाता है। मैं कौन हूँ, हूँ कौन छू, क्या थी थयो शू, स्वरूप छे मारू करो, थ्री फाउंडेशन क्वेश्चंस, फंडामेंटल तीन मूलभूत प्रश्न, उनके जवाब तुम्हें वहां मिलते हैं। तब तुम्हें समझ में आता है, ओ मैं हूँ कौन, अरे मैं आया कहाँ से। ये तुम्हें भगवद गीता के 29 सत्संग से नहीं समझ में आता, नहीं वो सब खाली औपचारिक बातें हैं ऊपर ऊपर से समझाने के लिए। लेकिन जब तुम तुम्हारी गुण राशि और ब्लिशीत की गुण राशि दोनों एक हो जाते हैं और वो अनुभव के पल में सडनली यू रियलाइज मैं कौन हूँ, मैं ये सारी शीट्स नहीं हूँ, वो तो ब्लैक में है, और मैं कौन हूँ जो उसकी आधार है, जिसके आधार पर ये सब है, मैं वो वाइट हूँ। तो ब्लैक एंड वाइट एकदम क्लियर हो जाता है। आप सबके चेहरे देखकर तो मुझे आज ऐसा लग रहा है कि क्या मिल गया, अभी तो सुनने में ऐसा मिला ना अनु प्रभु, तो होने में क्या होगा तुम सोचो, वो होने में क्या होगा, नहीं होने में ऐसा हो जाएगा, बस आपको ये सोचने का, जिस दिन वो हो गया आपके जैसे सोचना। तो जड़ क्रियावादी कौन है, वी कम बैक टू अवर फंडामेंटल क्वेश्चन, जड़ क्रियावादी कौन है, बाह्य क्रियाओं में रचे। बाह्य क्रियाओं में रचे का मतलब क्या है प्रशम प्रभु, एक ही प्रशम है हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन में। हाँ, बाह्य क्रियाओं में रचे का मतलब इतना है जो फर्स्ट थ्री शीट्स पर इन्वॉल्व है। दूसरा, अंतर भेद न कोई, यानी कोई भी क्रिया करते समय भाव क्लियर नहीं है और वो भाव क्लियर मैं कर रही हूं सालों से। कोई भी क्रिया करते समय उदय भाव और कृपा भाव के बीच, उपकार भाव वगैरह की क्लैरिटी नहीं है, और आत्मा और कर्म के बीच का भेद भी क्लियर नहीं है। वो कैसे मिलेगा, तो कहा ज्ञान मार्ग से चलते हुए। तो ज्ञान मार्ग क्या बताया, फर्स्ट स्टेप क्या है, बस तुम पहला स्टेप ही याद रखो, एनफ है, वो ये एस्केलेटर जैसा है, क्योंकि तुम सत्संग के पहले स्टेप पर भी पैर रख लोगे ना तो तुम अपने आप स्वनिश्चय तक पहुंच ही जाओगे, स्लोली और ग्रेजुअली पहुंचोगे। इन सत्संगों में मैं क्लेम कर सकती हूँ इस चीज को कि मेरे पास सत्संगों में ना मतलब विचार शून्य लोग आ भी जाए ना तो टिक नहीं सकते, उन्हें लगेगा बड़ी हाई लेवल की बातें हैं तो, और वो लोग लगभग यहाँ से चले जाते हैं। दे आर लुकिंग फॉर सम मिराकल, उन्हें लगता है कोई जप दे देती होगी ये बहन जी, कोई हमें ऐसी कोई एक्स्ट्रा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बातें करती होंगी, लेकिन वो समझ ही नहीं पाते कि मैं तुमसे तुम्हारा परिचय करवा रही हूँ और उसके लिए पूरी यात्रा है। सो जड़ क्रियावादी बाह्य क्रियाओं में रचे हैं, जड़ क्रियावादी में अंतर भेद नहीं है, और जड़ क्रियावादी ज्ञान मार्ग का निषेध करते हैं, जैसे नो सत्संग की कोई जरूरत ही नहीं है, ये ऐसे लोग हैं, वो ही क्रिया जड़ आए।